पीएम मोदी की दिवाली, शिव भक्ति वाली, बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन, बद्रीनाथ दरबार में भी हाजिरी। बाबा केदार के परम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ आगमन हो चुका है। पीएम मोदी छठी बार देवाधिदेव महादेव के चरणों में पधारे हैं। ये बेहद खास मौका इसलिए भी है कि हर तरफ दिवाली के त्योहार को लेकर उत्साह है, दूसरी तरफ पीएम मोदी की दिवाली शिव भक्ति वाली है। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में 2.5 घंटे रुकेंगे, इसके बाद सुबह 10:30 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी की केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने आप में बेहद खास है। पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हाजिरी लगाने के बाद 4 धामों के दर्शन करने वाले 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं में शामिल हो जाएंगे। बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद पीएम मोदी केदारनाथ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग और केदारनाथ रोपवे का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। केदारनाथ में लगभग 2.5 घंटे के कार्यक्रम में पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन भी करेंगे। पीएम मोदी की केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह है। सोनप्रयाग और केदारनाथ रोपवे के शिलान्यास को लेकर भी खुशी की लहर है। जो लोग बियर नहीं कर सकते हैं, गरीब आदमी की, वो हेली से आ सकते हैं, वो कम समय में आकर के और जा सकते हैं। नियली यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है। इसको इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सब लोग जो होता है धाम कि ये केदारनाथ धाम है, एक मेरा धाम हो जाएगा, उसकी सबकी प्रेरणा होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जितने भी टूरिस्ट होंगे उनका बहुत लाभ होगा। निश्चित रूप से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनके लिए ये चीज़ रीचेबल होगी, इंक्लूडिंग दी ओल्ड पीपल जो नहीं आ पाते उतने इजीली, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और दिस प्लेस इज लाइक हेवन, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। पीएम मोदी अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान इस बार भी गरुड़ चट्टी का भ्रमण नहीं कर पाएंगे। जून 2013 की आपदा के बाद से गरुड़ चट्टी में वीरानी पसरी हुई है। पीएम मोदी तीर्थयात्रियों की सुविधा और भीड़ कंट्रोलिंग के लिए केदारनाथ में बनाए गए मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण भी करेंगे। वो इन परियोजनाओं को बनाने वाले श्रमजीवियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान वो माना गाँव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये गाँव भारत चीन सीमा का अंतिम सीमावर्ती गाँव है। पीएम मोदी सीमावर्ती गांव विकास कार्यक्रम योजना की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ मास्टर प्लान योजना की जानकारी लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।